हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पेशी वाला। आज फाके रिवीजन सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। ये लेक्चर कल हो जाना चाहिए था, लेकिन कल कोई काम बस ये जो आज वाला लेक्चर है, जो कल वाला लेक्चर था, ये तो आज अपन कर ही लेंगे कंप्लीट। और जो कल वाली क्लास थी वो अपन संडे के दिन शिफ्ट करिए। मैंने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डाला था, अभी भी होगा शायद ना। आज लेक्चर नंबर 3 है। दो वीडियो ऑलरेडी जा चुकी हैं, लिविंग बर्ड की, एक बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन की, जिसमें अपन ने मोनेला कंप्लीट करा था। और अब लेक्चर नंबर 2 में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, उसमें अपन पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा के बारे में, उसकी फैमिली जो है चार, डायनोफिलेजिलेट, इग्लेना, फिलाइमोल्ड, है ना। ये सब कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। चलिए, आई थिंक वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी दोनों अच्छी होंगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन ना। देखिए, ये मेरा थोड़ा सा डिटेल है, हर लेक्चर में बताना पड़ता है। ये नंबर है मेरा। आज एक बच्चे ने डाउट पूछा था, पूरा बताया था, केमिस्ट्री का डाउट पूछा था तो भी बताया था, है ना। तुषार दुबे THD के नाम से जाना जाता है मुझे बायजू प्लेटफॉर्म पर। बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। 4 रैंक प्रोड्यूस इन नीट 2022, 4 रैंक नीट में प्रोड्यूस कर चुका हूँ। 3 रैंक थी उसमें 500 में, और एक रैंक थी 1000 में, 897 वाली। ये मेरा नंबर है, इसमें आपको कभी भी कोई भी डाउट, एनी, अगर आपको कोई बायजू में एडमिशन लेना हो या दिलाना हो आपको कोई को भी, अपने अपने भाई बहनों को या फ्रेंड को, तो आप यार नंबर देना, मैं उन्हें पूरी बता दूंगा। एक कोड है THD10%, तो वो कोड लगने के बाद 10% की छूट मिल जाती है। अभी 72 MRP चल रही है बायजू पे, हाँ, नीट की कैटेगरी में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन प्रोटिस्टा। एक मिनट रुक जाइए, हाइलाइटर ले। हटा देंगे, हाँ अच्छा ही लग रहा है। चल, प्रोटिस्टा, ये इधर फोटो आई थी होगी मेरी इधर, है ना। चलिए, प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक ही सेल होती है ना। मेजोट्रॉपिक होते हैं ये, क्या होता है भैया मेजोट्रॉपिक का मतलब, सम प्रोटिस्ट हैव बोथ हेलोफाइटिक लाइक प्लांट। हेलोफाइटिक का मतलब जब भी आ जाए तो प्लांट के जोड़ना, एंड होलो जो है जब भी आ जाए वो एनिमल के जोड़ते हैं। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एग्जाम्पल इग्लेना, इसका एक ही एग्जाम्पल होता है इग्लेना, ठीक है, अभी बता देंगे आपको, है ना। लगता कैसे भैया इग्लेना, ओके। इसमें क्या कहने का मतलब था, ये प्लांट से भी और एनिमल से दोनों से, होलोफाइटिक प्लांट से होता है, होलो जो एक एनिमल, है ना, दोनों टाइप के न्यूट्रिशन लेता है। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो प्लांट से भी न्यूट्रिशन ले और एनिमल से भी न्यूट्रिशन ले, उसे अपन बोल देते हैं यूग्लेना, ठीक है। मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल किंगडम, सबसे ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करता है ये, क्योंकि इसमें कुछ लोग बोलते हैं प्रोटिस्टा में आता है यूग्लेना, और कुछ लोग बोलते हैं फंजाई में आता है। अभी आगे अपन पढ़ने वाले हैं, बताऊंगा मैं आपको। द किंगडम हुज बाउंड्री आर नॉट वेल डिफाइंड, इसकी जो बाउंड्री होती है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म का एक, जैसे अपनी बॉडी है तो ये बाउंड्री बनी हुई है ना इसकी, अब इसके बाहर से खून तो आ नहीं रहा, कट लग जाए तो बात अलग है, लेकिन अभी तो खून नहीं आ रहा ना, लेकिन इसकी कोई बाउंड्री है ही नहीं, कोई बॉडी स्ट्रक्चर है ही नहीं, कुछ स्किन बनी हुई नहीं है, वेल डिफाइंड ही नहीं है। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल कौन सी होती है, इसमें हेप्लोन्टिक होती है और डिप्लोन्टिक होती है बोथ। हेप्लोइड होती है, मतलब हेप्लोइड का मतलब होता है एन कंडीशन, मतलब एक बस मियोसिस होगा उसमें, और माइटोसिस और मियोसिस दोनों होता है, उसको डिप्लोन्टिक बोल देते हैं, डिप्लोइड बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन, इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोटिस्टा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली, बोथ, दोनों तरह से रिप्रोडक्शन कर लेता है। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, 90% चांस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलता है देखने को।
लेकिन 10% चांस है शायद कि प्रोटिस्टा में भी है ना सेक्सुअली चीजें दिख जाती हैं। इट टेक प्लेस इन फेवरेबल कंडीशन। एसेक्सुअल कब होगा? जब उसकी फेवरेबल कंडीशन होगी, ठीक है? जब उसकी फेवरेबल कंडीशन होगी, एटमोसफेयर उतना ही होगा, एनवायरनमेंट ज्यादा टेम्परेचर नहीं होगा, तभी वो होगा, ठीक है ना। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉप्स तीन तरह के आते हैं। क्रिस्टोफाइटा इसका एग्जाम्पल है, डाई एटम, और डेस्टिमिट भी इसका एग्जाम्पल ही आता है, पढ़ेंगे अभी इसका पूरा अभी तीनों चीजें। पायरोफाइटा इसका एग्जाम्पल है डायनोफिलेजिलेट और यूग्लेनोइड, यूग्लेना इधर पढ़ा था ना, यूग्लेनोइड, यूग्लेना। दे आर डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, तीनों की डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, मतलब दोनों चीज होती है, मियोसिस भी और माइटोसिस भी, ठीक है ना। चल क्राइसोफाइट ये पढ़ा ने दर ये रहा क्राइसोफाइट, इनको अपन क्या बोलते हैं, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम एंड गोल्डन एल्गी। किन किन का डायटम का ग्रुप होता है? डायटम एक ऑर्गेनिज्म है ना, गूगल में आप देख लेना आराम से, पिक्चर आपको मिल जाएगी। एंड गोल्डन एल्गी, एल्गी एल्गी का मतलब क्या होता है? काई है ना, गोल्डन। अब जैसे अपन ने पाइप के आगे पीछे दिखते हैं ना, हरी हरी काई या लाल काई ये तो कॉमन दिख जाती है, लेकिन गोल्डन एल्गी कोई कोई समुद्रों में मिलती है, ठीक है, ओशन में मिलती है, सी में मिलती है, इसको गोल्डन एल्गी को डेस्मिड भी बोल देते हैं। शोप केस लाइक स्ट्रक्चर, देखो साबुन की बट्टी होती है ना, उसको रखने के लिए जो डिब्बा चाहिए रहता है, वैसा ही इसका स्ट्रक्चर देता है। देखना ये नीचे वाला है, ये ऊपर वाला ढक्कन है ना, नीचे आए ढक्कन को बोल देते हैं हाइपोटीका, ऊपर वाला ढक्कन को बोलते हैं एपिथीका, है ना। जो ऊपर वाला ढक्कन अपन बंद करने के लिए लगाते हैं उसको एपिथीका बोल देते हैं, और जिस पे रखा रह जाता है साबुन है ना, उसको हाइपोथीका बोल देते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है शोप केस लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर शोप केस लाइक जैसे लगता है। इन देयर शेल वॉल सिलिका इज डिपोजिट, सो इट इज शेल वॉल इज डिस्ट्रॉय। इनके शेल वॉल पर सिलिका एक केमिकल है, सिलिका एक केमिकल है, वो डिपॉजिट हो जाता है और उसकी वजह से इनकी शेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, तभी अपन ने एक चीज बोली थी। देखो अब सब रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, 11-12 की पढ़ाई ऐसी इजी नहीं है, है ना, इधर बोला था ना ये रहा। द किंगडम हुज बाउंड्री आर नॉट वेल डिफाइंड, क्यों? क्योंकि इधर तो शिली का डिपॉजिट हो रहा है और शेल बॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है ना, तो कहाँ के भैया उनकी जो बाउंड्री बनेगी वो कहाँ से होगा? दे आर डिप्लॉयड, दे आर डिप्लॉयड, टू एंड कंडीशन होती है डिप्लॉयड की, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। इट मीन जेमेटिक गेमेटिक म्योसिस विल टेक प्लेस। एक में पहले जायगोट बनता है फिर गेमेट बनता है, ठीक है, पहले जायगोइड बनता है और फिर गैमेट बनता है, तो डिप्लोइड कंडीशन है, तो मियोसिस में तो जायगोइड बन जाता है और माइटोसिस में बन जाता है गैमेट, है ना। चल दे आर मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर, दोनों में पाए जाते हैं, ये गंदे पानी में पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। दे आर कंसिडर्ड एज चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन, है ना, जी प्रोड्यूसर ऑफ ओशन का मतलब क्या है? समुद्रों में रहते हैं जो, तो आपको मालूम ही ओशन में रहते हैं, है ना। कोई भी पेड़ है, आम का पेड़ मान लो आप, आम के पेड़ ने भैया चार पेड़ लगे हुए हैं, फोर पेड़, फोर ट्री ऑफ मैंगोज, उसमें से एक ट्री ने इतने ज्यादा वो दे दिए आम, तो उसको वो चार ट्री में से एक एक ट्री को बोल दिया जाएगा चीफ प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो। ऐसे ही समुद्र में ये तो रहते नहीं अकेले, बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना, मतलब लोग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, है ना, और ये चीज बहुत सारी चीज प्रोड्यूस करते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं अपन। पिगमेंट, पिगमेंट इनका रहता है क्लोरोफिल ए एंड ही, बीटा कैरोटिन एंड जेंटोफिल, ठीक है। देखो मेरी बात सुनो आप, तुषार दुबे और बायोलॉजी एजुकेटर मैन नहीं है, है ना, मुझे आज के दिन ही मैंने ज्वाइन करा था बायजू, आज के दिन ही ज्वाइन करा था 2 अप्रैल को, ठीक है, और आज मेरे 7 मंथ हो गए, 7 मंथ हो गए बायजू के साथ जुड़े हुए काम करते हुए,
है ना। और ये अभी जो 5 महीने मैंने पढ़ाया, पिछले मैंने फ्री में पढ़ाया था है ना, उधर के रैंक ये निकली थी। बायोलॉजी में फ्री का बैच मुझे दिया गया था, मतलब फ्री वाले जो बच्चे आते हैं उनको दिया गया था, तो उनको मैंने पढ़ाया था, उसमें से ये 4 रैंक निकली थी। पूरा हमारा एक आशीष सर थे, एक कुणाल सर थे, और एक मैं था है ना। आशीष सर पढ़ाते थे फिजिक्स, कुणाल सर पढ़ाते थे केमिस्ट्री कंप्लीट, और मैं कंप्लीट बायोलॉजी पढ़ाता था। तो हम तीनों की मेहनत, आशीष सर, कुणाल सर और तुषार दुबे सर है ना, इन तीनों की मेहनत की वजह से आज ये 4 रैंक निकली थी हमारे बैच में से है ना। एक पहले एक दूसरे एजुकेटर है, उनने 8 रैंक निकाल के दिए, तो यही हमारा चलता है। इस बार का जो अभी हमारा पूरा कंप्लीट बैच बना हुआ है, जो इस साल बना है 2023 के लिए, उसमें से 15 से 20 रैंक बताई जा रही है कि यार निकल सकती है। फिर तो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है कि पेपर कितना हार्ड आता है या इजी आता है। ठीक है, स्टोर फूड। स्टोर फूड मतलब इनके अंदर कौन कौन से स्टोर होते हैं, ल्यूकोसिन एंड ऑयल। देखो मछली का तेल बोलते हैं ना, मार्केट में ही मिलता है मछली का तेल, तो वो मछली का तेल जो होता है, मछली में से तेल निकलता है ना। अब इसमें से जो है क्या बोलते हैं, ये डायटामिन गोल्डन एल की, इनमें से भी तेल निकलता है, तो इसके स्टोर फूड है ल्यूकोसिन। ल्यूकोसिन एक केमिकल होता है इनके अंदर, और ऑयल एक नॉर्मली ऑयल। दे आर नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल हैं इसलिए इसमें फ्लेजिला होते हैं। नो लोकोमेंटी ऑर्गन, लोकोमेंटी ऑर्गन ये होते हैं अपने अपने जैसे अपने बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में हाथ पैर हैं, उनमें ये नहीं होते, उनमें होते हैं फ्लेजिला या खेलिया, ये चीज होती है। नो लोकोमेंटी ऑर्गन प्रेजेंट बिकॉज दिस शेल्फोर इज रिजिड। बताया ना इधर, ये शेल वो रिजिड क्यों हो जाती है, ये हिलिगा की वजह से। शेल वॉल के ऊपर हिलिगा डिपॉजिट हो जाता है और शेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है, और इसलिए ये रिजिड धीरे धीरे रिजिड बन के डिस्ट्रॉय होती है। दे आर यूज एज हीट इंसुलेटर, साउंड प्रूफ वॉल एंड पॉलिशिंग एजेंट। काय काय में यूज होते हैं, हीट इंसुलेटर जो अपने जैसे अपन ना अपना घर हो जाता है ना, हीट होने लग जाता है, तो अब उसमें ये थर्माकोल में भी यूज होते हैं है ना। अब थर्माकोल अब यूज होने लग गए ना, दीवारों में लगते हैं, बीच में फंसा जाते हैं कि यार गर्मी ना ज्यादा ना आए है ना, इसलिए हीट इंसुलेटर में काम आते हैं, साउंड प्रूफ चीजों में आते हैं है ना। बॉल को साउंड प्रूफ करनी है तो ये चीज आप लगा सकते हो, इनके मटेरियल आते हैं मार्केट में। एंड पॉलिशिंग एजेंट, पेंट में भी ये यूज होता है, पेंट में भी ये यूज होता है। ठीक है, और काय में यूज होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ऑयल एंड सिरप का फिल्टर करने में यूज होता है, ये सिरप वही वाली है दवाई है ना। ठीक, एनी डाउट प्लीज कॉन्टेक्ट 8209085294। एनी डाउट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कंप्लीट बैच। टेन पॉइंट तक हो गए ना। द जायगोट फॉर्म ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड ऑक्सोस्पोर। जायगोट फॉर्म होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद, उसको अपन बोल देते हैं वाली कंडीशन को ऑक्सोस्पोर। और जो एरेस्टिंग स्पोर होते हैं, एक मिनट रुकना यार, जो रेस्टिंग स्पोर होते हैं उसे अपन बोलते हैं स्टेटो स्पोर। रिएक्ट कर रहे हैं, स्टेट कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं स्टेटो स्पोर। समझ में आ गया इसमें, अगर कोई भी डाउट हो आपको नंबर बता दिया। एक प्रोफाइटा, इनको अपन बोलते हैं डायनोफ्लेजिलेट। ये एनसीईआरटी में तो छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं, 12 12 13 13 पॉइंट है नहीं कोई में है ना। आपको कुछ दिखाते हैं यार, देखो ये होता है उगलेना, ये उगलेना है ना। अभी आगे चीजें अभी पढ़ेंगे अपन। ऐसा ही उगलेना होता है, ये बी वाला, एक की एक तो जो होती है ये बहुत लंबी होती है फ्लेजिलर, और एक शॉर्ट होती है, एक पॉइंट है इसमें, एक लॉन्ग
वन लॉन्ग फ्लेजलर एंड वन स्मॉल फ्लेजलर, अभी पढ़ते हैं अपन, है ना। उसके बाद टू फ्लेजिला आर प्रेजेंट इन 90 डिग्री एंगल टू ईच अदर। 90 डिग्री एंगल बता देते हैं अभी आपको, रुकिए। एक ये दिख रहा है भाई, हाइलाइटर दे। एक ज्यादा दिख रहा है फ्लेजिला, एक ये दिख रहा है, इसके बीच में जो 90 डिग्री बना है जरा, है ना। एक ये है, एनसीईआरटी में पेज नंबर 21 या 22 पे ऐसे ये एनसीईआरटी डायग्राम ही है, ये 90 डिग्री बन गया, ठीक है। गलत नहीं पढ़ा रहा मैं, ये चीज में दिखाने के लिए लाता हूँ बस ये फोटो। टू फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं 90 डिग्री के एंगल में, दे आर एक्सक्लूसिवली मराइन एंड शो वोल्डिंग मूवमेंट। ऐसे हिलते रहते हैं इसके फ्लेजिला, है ना, और ये पूरे के पूरे मराइन होते हैं, गंदे पानी में मिलते हैं, ठीक है। मराइन का मतलब गंदा पानी होता है, इसलिए आपको हंसी आ रही होगी तो हंसो मत, है ना, क्योंकि इस वाले नाम से मुझे भी हंसी आती थी जब मैं अपनी कोचिंग में होता था जब, ठीक है। शायद सामने तो नहीं आ सकते थे, लेकिन जब ब्रेक मिलता था, जब लंच होता था या कुछ और थोड़ा 5-15 मिनट का ब्रेक मिलता था, तब हम बहुत मजे लेते थे नाम के, है ना। एंड शो वर्लिंग मूवमेंट, ये हिलते हैं, है ना, जो इसके फ्लेजिला होते हैं ना वो हिलते हैं धीरे धीरे, उसको अपन बोलते थे वर्लिंग मूवमेंट। थर्ड पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड सी, क्लोरोफिल ए एंड सी, जेंटोफिल, डायनोजेंथिन। इसमें कौन कौन से मिलते हैं देखिए, इसमें भी क्लोरोफिल ए एंड सी है, लेकिन इसमें जेंटोफिल एंड डायनोजेंथिन, ठीक है। एंड शेल बोल, एंड शेल बोल, शेल बोल इसकी थोड़ी बहुत रिजिड टाइप की हो जाती है, इसलिए एंड बोल। दे शो बायोल्यूमिनेंस ऑल्सो कॉल्ड एज सी गोस्ट। अब ये रात में देखो, डरना मत रात में, ठीक है ना, ये रात में है ना जलते हैं, होते ये पानी में ही है, और जब ये जलते हैं ना तो ऐसा लगता है कि यार भूत कोई है इसके अंदर, पानी के अंदर, तो इसको बोल दिया सी गोस्ट। क्यों जलते हैं भैया, ये रीजन बताओ सर वाई। बहुत सारे बच्चे मेरे पूछते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा समझदार हूँ, है ना, धीरे धीरे बच्चों ने पहले पूछा था, मुझे मालूम था, लेकिन मैं बताता नहीं था, ये चीज नीट में आती नहीं है इतनी ज्यादा। इसके पीछे होता है, इनके अंदर होता है ल्यूसीफेरिन, है ना, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ल्यूसीफेरिन होता है, और इसका एंजाइम जो होता है ल्यूसीफेरेज, उसके लाइट प्रोड्यूस होती है इनके अंदर, ठीक है। ल्यूसीफेरिन इनका ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, और इनका जो एंजाइम होता है मेन, वो भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही होता है ल्यूसीफेरेज, वो लाइट प्रोड्यूस करता है। मेन बॉडी इज हैप्लोइड, हैप्लोइड का मतलब होता है एन कंडीशन, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, जायगोटिक मियोसिस, सारी चीजें हैप्लोइड है, उसमें डिप्लोन्टिक की थी, है ना, सब चीज जेरी डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल डिप्लोइड, पायरोफाइटा में हैप्लोइड हो जाती है, और जायगोट मियोसिस हो जाता है। रेड टाइड क्या होती है भैया, रेड टाइट, न्यूट्रिएंट, एक न्यूट्रिएंट की चीज होती है, रिच मीडियम होता है, डायनोफ्लेजिलेट, कौन कौन से, गोन्यूलिस एंड जिम्नोडियम, इंक्रीज इट नंबर बिकॉज ऑफ द वॉटर स्टार्ट लुकिंग रेड इन कलर। इनकी वजह से ये रेड होते हैं, मतलब ये दोनों होते हैं
इन दोनों में क्वालिटी होती है बायोल्यूमिनेशन करने की, ये जिनोन एज रेड टाइड है ना। एग्जाम्पल नोटिडुका सिलेटियम जोन्यूलेस जिम्नोडियम, ठीक है, यूग्लेनोइड। क्या भी है? यूग्लेनोइड। मैं एक साथ ही ना आपको डायग्राम दिखा दूंगा, ठीक है ना। यूग्लेना सेल वॉल एब्सेंट इन देम, इसमें सेल वॉल कंप्लीटली एब्सेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय पेलिकल, सेल मेम्ब्रेन काय से कवर्ड होती है? पेलिकल, जो इसकी सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन होती है ना, इसको पेलिकल बोल देते हैं। दे हैव हैप्लोइड न्यूक्लियस, इसमें भी हैप्लोइड कंडीशन ही है। पिगमेंट क्लोरोफिल ए एंड बी, देखो कायरो क्राइसोफाइट में और पायरोफाइट में क्लोरोफिल ए एंड सी होता है, यूग्लेनोइड में ए एंड बी होता है क्लोरोफिल, बीटा कैरोटीन होती है, जेंटोफिल सेम एज हायर प्लांट, ठीक है। स्टोर फूड, स्टोर फूड क्या क्या होते हैं? पैरामाइलम एंड फैट, जीरा। स्टोर फूड में ल्यूकेसिन एंड ऑयल था, इसमें पैरामाइलम एंड फैट। पैरामाइलम कुछ नहीं है, इट इज कार्बोहाइड्रेट, केमिकली इट इज बीटा वन थ्री ग्लाइकेन, इसी को इसमें केमिकल मिला के इसको बना देते हैं बीटा वन थ्री ग्लाइकेन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट होता ही है, मेन क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ये सब कलरफुल में, और जितनी भी चीजें कलरफुल में लिखी जाती है ना कहीं नीट का रिलेटेड होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मेजोटॉपिक, मेजोटॉपिक का मैंने अभी बताया था आपको, जरा याद रखना। हेलोफाइटिक किसके लिए यूज होता है? प्लांट के लिए। होलो जो है एनिमल के लिए होता है, और दोनों का जो न्यूट्रिशन कंबाइन कर दे वो मेजोट्रॉपिक होता है, ठीक है जरा, है ना। मैंने देख के नहीं बोला ये, मैंने आपकी आंखों में आके डाल के बोला है, ध्यान से देख लेना आप वीडियो में। ये मेजोटॉपिक दैट इट इज वाई दे आर कनेक्टेड बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, ये भी कनेक्टेड होते हैं प्लांट एंड एनिमल के, हेलोफिटिक एंड होलोजोइक। दे हैव टू फ्लैजिला, वन शॉर्ट एंड वन लॉन्ग, पढ़ाया था ना यूग्लेना में, डायनोफ्लैजिला देख लिया आपने, इसका भी देख लो आप, एक लंबा है, एक लॉन्ग है और एक छोटा है, ये यूग्लेना है ना, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वॉटर ऑर्गेनिज्म, इसके ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? मेजोरिटी 90% 95% जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्रेश वॉटर ऑर्गेनिज्म है। फाउंड इन स्टैगमेंट वॉटर, स्टैगमेंट का मतलब होता है रुका हुआ, रुके हुए पानी में मिलते हैं ये, है ना, मिलता तो डेंगू भी रुके हुए पानी में ही है, देखना मत रुके हुए पानी में हाथ डाल के मत देखना कि यार यूग्लेना मिल जाए, है ना, डेंगू एंगू होने के ज्यादा खतरे, ठीक है ना। चलिए कंज्यूमर डीकम्पोजर क्या, किनको बोलते हैं ये? स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड। दीज ऑर्गेनिज्म डेवलप अ स्लाइमी मास एट द टाइम ऑफ द वेजिटेटिव फेज, जब इनका रिप्रोडक्शन फेज होता है ना, वेजिटेटिव फेज मतलब उसी को ही बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज को, ठीक है। तो ये अपनी बॉडी को स्लाइम जैसा बना लेते हैं, आपने अभी बीच में चला था वो डिब्बी में एक स्लाइम जैसा कोई सब्सटेंस था, उसको अपन हाथ में लेते थे तो उसको चाहे कितना भी कुछ कर लो वो टूटता ही नहीं था, रबड़ टाइप का होता था वो, है ना। ये क्वालिटी इनको, इनको नाम पड़ा है इसका स्लाइम मोल्ड, ठीक है। ऑर्गेनिज्म डेवलप स्लाइमी मास, एक मास टाइप का स्लाइमी सब्सटेंस बनता है एट द टाइम ऑफ द वेजिटेटिव फेज रिप्रोडक्टिव फेज, ऑल्टो कोल्ड एज फॉल्स फंगाई, इसको और क्या कहते हैं? फॉल्स फंजाई। क्योंकि क्यों भैया बोलते हैं फंजाई? ये दिखता ऐसा था, इसमें अपन ने यही लाइन बोली थी, देखिए
मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल किंगडम है ना, ये ही के लिए बोली थी मैंने, क्योंकि ये आता तो प्रोटिष्ठा में आज आज तक, लेकिन इसमें बोला क्या गया था इसमें कि ये प्रोटिष्ठा में अभी तक आता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं अभी इसको बोला ना फोर्स फंगाई, फंगाई के पहले ये स्टार्ट हुआ है ना, इसलिए इसमें थोड़ा अभी भी कंफ्यूजन है। ठीक है, दे आर सेप्रोफाइटिक, दूसरों का खाना खाते थे ये, है ना। स्लाइम मोल्ड हैव कैरेक्टर ऑफ बोथ एनिमल एंड फंगस, देयर फॉर दे आर कॉल्ड फंगल एनिमल। कोई भी आपको फंगल एनिमल बोले ना, आपके अभी ये नीट में भी आ चुका है क्वेश्चन, नीट में भी आया था क्वेश्चन, पुराने जमाने का था ये, 1998 है ना। स्लाइम मोल्ड के अंदर दोनों क्वालिटी होती है, एक एनिमल एंड फंगस, ये एनिमल एंड फंगस से न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए इसको बोल देते हैं फंगल एनिमल। ठीक है, दे आर कनेक्टेड विथ लिंक बिटवीन फंगस एंड एनिमल। देखिए हर जगह अपन ने कनेक्टेड लिंक तो पढ़ी रखे हैं, ठीक है, इसमें नहीं है पर कनेक्टेड लिंक इसमें है, ठीक ना, इसमें एक एक में रुकना आप, मेजोटोफ में थी ना यार, कहाँ गई वो, चलो देखते हैं यार, मेजोटोफ कहाँ गया यार, ये रहा। इसमें कनेक्टेड लिंक काय में थी, प्लांट एंड एनिमल में, तो इसको अपन बोल देते थे प्रोटिस्टा, वो मेजोटोफिक। ठीक है, एग्जाम्पल इसका बहुत अच्छा है, लेना ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर दे आर टू टाइप, इनके स्ट्रक्चर के कारण ये दो टाइप के हैं, ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड एंड ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड एंड सेलुलर स्लाइम मोल्ड। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड, इसको अपन बोलते हैं प्लाज्मोडियल स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं इसे। देयर बॉडी इज मेडअप ऑफ बोल लेस, इनमें भी सेल वॉल की बोल नहीं होती, ठीक है, मल्टी न्यूक्लेटेड होते हैं एंड प्रोटोप्लाज्मिक मास, इसको प्रोटोप्लाज्मिक मास को बोलते हैं हीनोसाइटिक। दे आर डिप्लॉयड, ठीक है, डिप्लॉयड होते हैं, टू एंड कंडीशन होती है, माइटोसिस भी होता है मियोसिस भी होता है, इसकी पूरी एक लाइफ साइकिल पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वाले चैप्टर में प्लांट किंगडम में। एग्जाम्पल है पाए शेरम सेलुलर स्लाइम मोल्ड, लास्ट टॉपिक है आज का। ठीक है, देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मेनी बोल लेस अमीबा लाइक सेल, इसमें एक होता था मेडअप ऑफ बोल लेस बॉडी, है ना, इसमें बॉडी कैसे होती, मेनी मेनी सेल, मतलब आप मान लो कोई चार सेल है लेकिन उनकी बोल नहीं है और उनको मिला दिया जाए तो वो अमीबा टाइप का स्ट्रक्चर लगने लग जाएगा, क्योंकि अमीबा में भी जो सेल होती है उसकी बोल नहीं होती, सेल बोल नहीं होती। These cells are found in group, but they are not fused. ये सेल ग्रुप में मिलते हैं लेकिन ये फ्यूज नहीं होते। ठीक है, एवरी सेल हैज हैप्लोइड न्यूक्लियस, जितनी भी सेल हैं इसमें हैप्लोइड न्यूक्लियस पाया जाता है और इसमें डिप्लोइड न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डाइकाइटोस्टेलियम। ठीक है, अब तो खत्म ही हो गया है ना, लास्ट है। तुषार दुबे टीएचडी है, बायोलॉजी एजुकेटर, फोर रैंक प्रोड्यूस इन नीट 2022। पहले ईयर में, अभी 7 महीने पहले ही हुआ था और उसमें मैंने, बहुत अच्छी बात है ये, मेरा अभी एक साल हो जाएगा पाँच महीने बाद अप्रैल में करीबन, है ना, और उसके बाद अपन और रैंक प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बच्चों के साथ मैं लगातार अपने यूट्यूब पे वीडियो डाल रहा हूँ, लाइक आए शेयर आए कुछ नहीं, लेकिन आ रहे हैं, आपको मैं अच्छी चीज़ बता देता हूँ, सब्सक्राइब भी हो रहे हैं और शेयर भी हो रहा है और लाइक भी आ रहे हैं, आप देख लेना चाहे कभी भी। तीन वीडियो डाली हैं उसमें, करीबन ऐसे तीनों को वीडियो को मिला के 180 लाइक आए हुए हैं। ठीक है ना, चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल अपन पढ़ने वाले हैं फंजाई, उनके टाइप पढ़ेंगे और ये लेक्चर कल सैटरडे, परसों जो लेक्चर नंबर 4 होगा, जो कल अपने छुट्टी हो गई थी,
तो उसकी उसकी जगह ये होगा लेक्चर नंबर 4 में अपन पढ़ेंगे वायरस। वायरस में इसी चैप्टर का टॉपिक है, तो संडे के दिन ये कम्प्लीटली चैप्टर खत्म हो जाएगा और मंडे से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कौन सा, प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम ठीक, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट, ठीक है ना। वीडियो को आपका प्यार मिलता रहे, बस इतना ही वो है। थैंक यू। अरे ये तो देख जाओ, एक मिनट जाए देख जाओ आप डायग्राम, ये स्लाइम मोल्ड होता है, देख रहे हो आप, ये स्लाइम मोल्ड होता है, युग्लिना देख लिया आपने है ना। इसकी वॉल नहीं होती, ये ऐसी अमीबा की टाइप लग रहा है ना ये आपको, अमीबा अमीबा भी दिखा देंगे आपको है ना। पैरामीशियम अपन एक जगह पढ़ेंगे, इसका यह चप्पल लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, देख लो आप है ना। और आगे से थोड़ा मोटा होता है और पीछे से थोड़ा पतला हो जाता है ये है ना। और इसमें एक इधर माउथ टाइप का, इधर से ये खाना खाता है, इधर से है ना, जहाँ पे ये गोला गोला दिख रहा है ना वहाँ से। ओके चलिए अब कंप्लीटली क्लास ओप, थैंक यू। थैंक यू।